दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A52s के जो नया अपडेट आया था अभी रिसेंटली जून में, उस अपडेट का रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि उस अपडेट के बाद मेरे को मेरे मोबाइल में क्या बग लगे, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स है, क्या बैटरी चल रही है, सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैंने कल आपको अपडेट करके बताया था सैमसंग A52s में, अब अपडेट करने के बाद मुझे इसके क्या रिव्यू लगे, क्या मुझे बग लगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट में, एंड देन मैं लास्ट अपडेट में ले जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको अपडेट करा था 12 जून 8 बजे रात में मैंने उसको अपडेट किया हुआ था। अब मुझे इसके अंदर 2 से 3 बग लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब उसमें से एक आध दो तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। सबसे पहला बग लगा बैटरी ड्रेनिंग, बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो रही है। मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके लेके जाऊँ, आप देखेंगे बैटरी के अंदर, और मैं आपको यहाँ लेके आया बैटरी परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है आपको लेके आ रहा हूँ। तो आप देखेंगे 100% मैंने कब चार्ज किया था, लगभग मैंने अभी 1 घंटे पहले मैंने 100% चार्ज किया था, लगभग 1 या 1.5 घंटा ही हुआ होगा 100% चार्ज किया था, और अभी मेरे मोबाइल की बैटरी आप देख रहे हैं 73% है। ज़्यादा हैवी कोई गेमिंग नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, नॉर्मल मैंने वीडियो चलाई, आप चाहें तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुछ हैवी टास्क मैंने यूज़ नहीं करा हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी मेरी 73 हो गई। मैं सुबह से 2 बार फुल चार्ज कर चुका हूँ, उसके बाद भी ये हाल। सबसे पहला बग यही लगा इसके अंदर, और बहुत बड़ा बग है। उसके बाद सेकेंड बात बताऊँ वो है हीटिंग की। इससे पहले मैं MP भोपाल में हूँ, तो यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज भी गर्मी है, बट पहले के मुकाबले कम है, बट आज ज़्यादा मेरा मोबाइल हीट हुआ, मतलब अपडेट होने के बाद मेरा मोबाइल हीटिंग ज़्यादा कर रहा है, और अभी भी हल्का हल्का यहाँ पर हीटिंग कर रहा है। तो सेकंड जो बग मुझे लगा इस अपडेट होने के बाद हीटिंग का इशू आया। तो दो इशू मुझे बहुत ज़्यादा जो इंट्रैक्ट कर रहे हैं, बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस अपडेट को, तो ये दो अपडेट मुझे सबसे ज़्यादा लगे, सबसे ज़्यादा बेकार लगे। उसके बाद बात करें थर्ड बग की, वो ये है कि थोड़ा थोड़ा मुझे लैगिंग का इशू दिखा है यहाँ पर, कि ये थोड़ा थोड़ा हैंगिंग मार रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा बग दे रहा है, कभी हैंग मार के चल रहा है, कभी रुक जा रहा है। तो सेकंड मुझे ये वाला बग लगा, मतलब सॉरी थर्ड ये वाला मुझे लगा, थोड़ा हैंगिंग का इशू लगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर यूं करके देख रहा हूँ, आपको हल्का सा समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर आपको लग ही रहा होगा कि थोड़ा सा बग यहाँ पर आपको हैंगिंग या चलने में भी लग रहा है। तो तीसरा जो बग लगा मुझे वो ये है। उसके बाद करें चौथी बग है या फिर चेंजेस है, ये क्या है। तो सो पहले क्या होता था, जैसे कि ऊपर 5G नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, अगर मैं अभी 4G मोड पे अगर मैं चला गया या मतलब 4G नेट आने लगा मेरे पास, तो पहले क्या लिखा था, पहले नेट क्या आता था LTE लिखा, बट अब जब इस अपडेट के बाद से वहाँ पर 4G ही लिखा आ रहा है, मतलब वो 5G मोड पे जाता है तो 5G लिखा आता है, और 4G पे जा रहा है तो 4G लिखा रहा है, LTE का मोड हट गया। जैसे आप देख सकते हैं अभी वहाँ 4G दिखाने लगा हुआ, पहले वहाँ LTE प्लस दिखाता था, अब यहाँ पर 4G और 4G प्लस दिखा रहा है। तो ये मुझे एक यहाँ पर चेंजेस लगा। तो यही कुछ नए अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हो और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।